बैक टू माय चैनल और मैं हूं अभी इस क्रीपी जगह पे जो कि स्पेशली हमारे लिए सेट किया गया है। तो चलो गाइस अंदर चलते हैं। भाई साहब भी क्या देख लिया मैंने यार। हॉरर मूवीज में ना हमेशा ये कैसा डेंजर बोर्ड लगा रहता है, लेकिन फिर भी जो कैरेक्टर होता है वो जाता है अंदर, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि अंदर कुछ खराब होने वाला है। लेकिन मुझे यकीन हो रहा है कि मेरे साथ कुछ खराब होगा, लेकिन मेरा ये टास्क है गाइस कि हमें अंदर जाना है। तो चलो चलते हैं। हमें बस लोकेशन बता दिया गया है कि आपको यहाँ पे पहुँचना है, और उसके बाद हम दोनों के साथ क्या होने वाला है गाइस, मतलब इतना सा भी आइडिया नहीं है। आपके साथ साथ मुझे भी पता चलने वाला है। तो चलो अंदर चलते हैं एंड इसे फेस करते हैं। यार ये कितना पुराना घर है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे सदियों से कोई रहता ही नहीं है। पर मुझे ना बाहर रहने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि गाइस ये एक बार देखो ये पेड़ जो है ना यहाँ पे अलग ही टाइप की भूतियाँ हैं। अंदर चलते हैं। यहाँ पे एक सूटकेस है गाइस, इसे खोलूँ क्या? खोलूँ तो खोलते हैं यार। ओ भाई साहब है यहाँ पे To complete this game, you have to find 3 clocks. भाई क्या है ये? और भी यहाँ पे कुछ ये मैप दिया है इन्होंने। यार मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है शायद इन्होंने कोई 3 क्लॉक छुपा के रखे हैं, एंड मुझे एक मैप भी मिला हुआ है इस पूरी जगह का। कुछ और भी यहाँ पे। भाई ये क्या है? डोंट लुक बिहाइंड यू। भाई कुछ है क्या पीछे? वो डरा रहे हैं ये लोग। इसे लेके चलते हैं शायद कुछ मिल जाए हमें। अरे भाई अचानक से देखा, मुझे लगा किसी की बॉडी यहाँ पे खड़ी हुई है। हाफ ट्री, पीछे कुछ नहीं है, खाली है गाइस देख लो। इसमें कहीं और तो नहीं है यार लिखा हुआ, पर बाकी पूरा खाली है। इसका मतलब गाइस हमारे पास सिर्फ एक क्लू हमें मिला है जिसपे लिखा हुआ है हाफ ट्री। यार इधर देखते हैं शायद कुछ हो। यार मुझे ऐसा लगा ना मैंने यहाँ पे किसी को देखा है। I think क्या सुन सही मुझे। अब मैं सेफ जोन में आ चुकी हूँ। एक कटा हुआ पेड़ तो दिखा है, आई थिंक यही वो हाफ ट्री है जहाँ पे कुछ हमें मिल सकता है। उसके आसपास कुछ सुनते हैं।
दिख रहा है। ये देखो कबर्ड, आई थिंक नेक्स्ट क्लू कबर्ड है, अंदर जाना पड़ेगा हमें। ये रास्ता है ये, एक सेकेंड, मेरा शू लेस खुल गया। यार मुझे खुद की परछाई से डर लगने लगा है अब। इसके अंदर चलते हैं गाइस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसके अंदर कोई है। बस आज हम चलते हैं, हमें कबर्ड ढूंढना है, तो लेट्स सी इधर कुछ मिलता है कि नहीं। यहाँ पर बुक्स रखी हुई है, यहाँ पर कुछ, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ मिलने वाला है, क्योंकि क्लू में कबर्ड लिखा हुआ है और यहाँ पे पूरा सिर्फ बुक्स से भरा हुआ है। अच्छा यहाँ पे तो सब कुछ कवर्ड है, वो जो मूवीज में होता नहीं है पुराने घरों में ऐसे सब कवर करके रखा होता है। यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे क्लू में कवर्ड लिखा था और वो कवर्ड बोलने की कोशिश कर रहा है। इसे ओपन करके देख, सिर्फ अभी एक ट्रॉक मिला है, मेरा छनते छनते बचा है। यहाँ पर पावर बोर्ड है, एक वहाँ पर अभी भी घूम रहा है। भाई साहब ये कैसे जाली है, छूते ही गिर जा रहा है, अजीब है यार। चलो इधर से यहाँ पे एनिमेट पर, यहाँ पे कवर्ड है। तो गाइस मुझे मेरा सेकंड क्लॉक मिल चुका है। नेक्स्ट क्लू है हमारा कार, बट यहाँ पे कोई कार रखी नहीं है। गैराज, हाँ गैराज में हो सकता है, ठीक है। मुझे स्प्रे मिला है तो इसे भी रख लेते हैं, शायद कुछ काम आ जाए। तो गाइस वो रही पार्किंग, और होपफुली वहाँ पे हमारा थर्ड क्लॉक रखा हो। यार मुझे डर लग रहा है क्योंकि मुझे पता नहीं है वो ज़ॉम्बीज़ इस टाइम पे कहाँ पे हैं, ऐसा ना हो उसके अंदर ही हो। लेट्स गो, अनिमेश में पीछे देखते रहिएगा। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई है। गाइस फाइनली फाइनली मुझे मेरा थर्ड क्लॉक मिल चुका है। अनिमेश पे अपने पीछे देखे, Oh!
1, 2, and 3. Guys, finally, मुझे मेरे तीनों क्लॉक्स मिल चुके हैं यार। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना खतरनाक बनाएंगे, और इसी के साथ मेरा ये टास्क भी कंप्लीट होता है। आई होप गाइस आपको ये हॉरर चैलेंज में मज़ा आया होगा। भाई मेरी तो हालत ख़राब हो गई। और अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस। अरे अरे, जा कहाँ रहे हो? ये वाली वीडियो देखी या नहीं देखी?